ब्लड डोनेशन डे के मौके पे आपने आज हमारे जो जो हॉस्पिटल है यहाँ का जनरल हॉस्पिटल है हमारे हापोली का, उनमें आपने ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया, तो कितना आदमी पार्टिसिपेट किया और आज प्रोग्राम किस तरह से किया गया? आज का जो प्रोग्राम था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। और ये दिन को हम जाति तक का हॉस्पिटल से मिल कर एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग सेंट क्लारेट में ऑर्गेनाइज किया था, तो आज टोटल आई थिंक अराउंड 30 जिसे आया है डोनर, तो शाम को भी आएंगे और जो आज नाइट नहीं दे पाएगा तो वो भी कल देने के लिए रेडी हैं। और कितना पार्टिसिपेट आज अराउंड 30 जैसे आया है, और मैं आपके माध्यम के द्वारा मैं जितना भी जीरो वासियों यहाँ है उनसे मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप जब कुछ पर्टिकुलर डे नहीं चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, आप एनी टाइम आइए, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स आप आइए डोनेट कीजिए। क्योंकि एक यहाँ ऐसा है कि अरुणाचल में अराउंड 16,000 यूनिट चाहिए होता है ये होल अरुणाचल में, बट जो डोनर है उसका 9,000 सिर्फ एक डोनर आता है, तो देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन डोनर एंड रिसीवर। तो आप बहुत सारा मैक्सिमम ऐसे करता रहता है कि जब मेरा कोई रिलेटिव ज़रूरत पड़ेगा तभी सिर्फ डोनेट करेगा बोल के, तो आप ऐसे मत रुकिए, आप एवरी 3 मंथ्स इंटरवल में आप डोनेट कीजिए, तो जितना भी रिसीवर है उन लोगों को एक गैप नहीं रह जाएगा, उन लोगों को एक जब भी ब्लड नीडेड होगा उन्हें ब्लड बैंक से आराम से कलेक्ट कर पाएगा। आज देखा गया है कि आप लोग का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जो ITBP जवान लोग भी है और साथ ही साथ ये जो HDFC जो बैंक वाला भी उन लोग भी साथ में है, क्या आप लोग के कोलैबोरेशन है? हाँ, ये जब हम लोग ये हॉस्पिटल के साथ जब कोलैबोरेट करने के लिए किया था तो उन लोग भी ने भी इंटरेस्ट दिखाया, HDFC वाला भी और ये ITBP वाला भी और ये BRTF वाला भी आया है। तो एवरी ईयर जितना भी डोनर है, अभी जैसे कि ITBP में बहुत सारा स्टेट से है, बट उन लोग यहाँ आके डोनेट कर रहे हैं, तो ब्लड किसके पास जाएगा? ब्लड हम लोग का किसी अरुणाचल का पास में ही जाएगा होगा, तो एक ब्लड में कोई रिलेशन नहीं देखा जाता है। अब जो पेशेंट एंड डोनर का आपस में एक रिश्ता है, तो कोई भी आके यहाँ डोनेट कीजिएगा ताकि जितना भी नीडी पर्सन है, जो कि डिलीवरी जो औरत लोग करता है या एक्सीडेंट कुछ केस हो गया, इमरजेंसी केस हो गया, वो सबको एक ब्लड नहीं मिलने के कारण किसी का लाइफ एक्सपायर नहीं होने के लिए, तो यहाँ अगर ब्लड बैंक में अवेलेबल ब्लड रहेगा तो एनी टाइम रिसीवर को ब्लड मिल जाएगा, तो ये एक्सीडेंट केस ये सबसे बच पाएगा आराम से। तो ऐसा सुनने में आया कि आप लोग जो कैपिटल में भी आप लोग का ब्लड डोनेशन हो रहा है, तो क्या कैपिटल के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आप कर रहे हैं? एक्चुअली आज कैपिटल में आपातन स्टूडेंट यूनियन असुकाय, हम लोग असुकाय बोलते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, उन लोग भी वहाँ डोनेट कर रहे हैं। एंड नाहरलगन में भी हम लोग लास्ट टाइम जब वर्ल्ड हेमोप्ले डे था तब भी हम लोग ऑर्गेनाइज किया था, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ब्लड रिलेशन नहीं देखता, जब ज़रूरत पड़ता है तो किसी का भी ब्लड किसी के पास जा सकता है अगर सेम ब्लड ग्रुप है। तो ये अगर जहाँ जहाँ नीडेड है, एक पर्टिकुलर डे नहीं चाहिए ब्लड डोनेट करने का, किसी जितना भी नीडी पर्सन है उसको एनी डे हम लोग डोनेट करने के लिए रेडी हैं। और मैं नॉट ओनली HDFC एंड ITBP, मैं आप सभी मीडिया पर्सन को भी थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आज डोनर के लिस्ट में आप लोग भी हैं। तो ये अब एज जो आशु अपातन इंजीनियर के जो स्पेशल होने के नाते रिसेंटली यूरोप पे एक लड़की का मोलेस्टेशन केस हुआ था, तो इसका ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो एक ऐसा है कि एक्चुअली जीरो में विद इन आपातन इतना कम वायलेंस होता है, जितना भी क्राइम करता है बाहर वाला आके करता है, इसलिए मैं जितना भी बाहर वाला है इसे उन लोगों को भी मैं वार्न करना चाहूँगा कि आप जीरो में आके आप एक पीसफुल वैली में आके आप यहाँ ऐसे क्राइम नहीं करना है, और जो अभी कल्प्रिट है वो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कोर्ट के द्वारा। और अभी 16 को रैली भी है तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो रैली आप लोगों का जगह लोकेशन कहाँ से होगा और उसके बाद टाइमिंग कितना से होगा? लोकेशन एंड टाइमिंग आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा, तो अभी तो टाइम एंड लोकेशन को हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है। और रैली रीजन का रीजन मेन जो मेन रीज़न तो वही है कि जो क्राइम किया है उसे इजीली बेल नहीं मिलना पड़े, नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आप यूज़ करके आप क्राइम करते नहीं रह सकते हैं, लोगों को ट्विस्ट करके आप क्राइम किया है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलना पड़ेगा। आप एक जो अंडर एज लड़की को, एक अंडर एज बच्चा को आप डिसीव करके आप उसे बहला फंसा के आप उसको आप इसको डिसीव नहीं कर सकते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज जितना भी डोनर्स है, स्पेशली आज का चीफ गेस्ट
बामिनी में जे, तो वो भी आज आके डोनेट किया, अपना ब्लड डोनेट किया है, उसे भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज जितना भी टीम आया, जीरो हापली यूथ एसोसिएशन टीम भी आया है, ITVP टीम भी आया है, BRO टीम भी आया है, और मेडिकल फ्रेटर्निटी जितना भी है, आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल। और जितना भी इंडिविजुअल डोनर है उन लोगों को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और स्पेशली आप लोगों का मीडिया फ्रेटर्निटी जितना है, आप लोग आज मीडिया कवरेज करने के लिए भी आया है, प्लस आप लोग खुद डोनर भी है, इसलिए मैं आप सभी को एक अपतन स्टूडेंट यूनियन के टीम के द्वारा मैं सभी डोनर को एक शुक्रगुजार कहना चाहूँगा। आज हम लोग HDFC बैंक का ओर से हम लोग आंसू के टीम के साथ में हम लोग कोलेबोरेशन करके HDFC बैंक लोग भी आया हुआ है यहाँ पे ब्लड देने के लिए। एक्चुअली ब्लड डोनेशन देना बहुत ज़रूरी है, किसी का लाइफ हम लोग सेव कर सकता है ना, जो मर रहा है तो इसका लाइफ में सेव कर सकते हैं। व्हेन वी गिव दे लीव ना, ये हम लोग का मोटो है। तो आज आप लोग का जो HDFC के बैंक से कितना आदमी यहाँ पे आज पार्टिसिपेट? आज एक्चुअली हम लोग का बैंक जो नया है, ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर ही है, तो स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग जो 5 मेंबर्स ना, तो नेक्स्ट में हम लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एवरी साल देते हैं, एवरी साल नॉट ओनली इन ईटानगर और अरुणाचल बट ऑल ओवर इंडिया। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम ब्लड देते हैं तो किसी की जान रक्षा कर सकते हैं, तो मौके पे ऐसा होता है कि जो हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं लेकिन जब मौके का जब वारदात होता है तब ब्लड नहीं मिलता है ब्लड बैंक में, कब ब्लड हमेशा कमी कहता है, उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की जान भी जा सकती है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? उसको लेके हम जो ऐसा मतलब इंकरेज करते हैं, जितना भी यूथ जो एलिजिबिलिटी है वो लोग आके दे देना चाहिए ईयर में ना, एवरी सिक्स आफ्टर 6 मंथ आई थिंक आफ्टर 6 मंथ वो लोग देने से ठीक है, किसी का लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे में आज आप लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप लोग चाहती थी कि जो टीम है, तो ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि आप लोग भी आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आज का जो वर्ल्ड जो ब्लड डोनेशन डे उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको, और आज 14 जून सर सबको पब्लिसिटी दिया कि आज ब्लड डोनेशन डे है, और हमारी टीम को भी न्योता दिया गया था ITVP को, और हमारे कमांडेंट श्री सुरेंद्र सिंह नागरकोटी की तरफ से, और हम सब ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है, और कोशिश करेंगे भविष्य में भी लगातार डोनेट करते रहें, तो हमें तो बहुत खुशी हुई मतलब डोनेट करके। सर आप लोग से कितने जवान यहाँ पे जो ब्लड डोनेट आए? तकरीबन हमारे 15 से 20 जवान आज डोनेट करने आए थे। तो क्या आप लोग के हर साल इस तरह का जो ब्लड डोनेशन डे पर देते हैं या आज? बिल्कुल, हम हर साल देते हैं, और इवन हम अपने कैंप में भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी मेडिकल टीम हमारी होती है, डॉक्टर साहब हमारे होते हैं, तो वहाँ भी करते हैं। अभी हमारी नई यूनिट यहाँ रेज हुई है, तो उस भी आपने हम यहाँ पर आए हैं, भविष्य में जैसे हमारी आगे बढ़ी हम वहाँ भी ऑर्गेनाइज कराएंगे हमारे कमांडेंट आज की तरफ से। सर आप लोग क्या गाँव के जाते भी ऐसा कुछ? हाँ, हमारे गाँव में जाकर भी कैंप लगते हैं, जिसके लिए हम हमारी मेडिकल टीम इवन ट्रीटमेंट भी देती है, ब्लड डोनर भी करती है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है सिविल अथॉरिटी की तरफ। आने वाला दिनों में जो आने वाले समय में जैसे हमारे को मौका मिलता है, अभी तो हमारी यूनिट नहीं खड़ी हुई है यहाँ पर, जैसे हमारे CO साहब बोलेंगे वैसे हम तो ऑर्गेनाइज करेंगे भविष्य में। बहुत सारे यूथ हैं जो अवेयर नहीं होते, वो सोचते हैं कि ब्लड देते तो वीक हो जाएंगे, तो जो इस मौके पे आज के सबको टीम के पे आप यहाँ के जो यूथ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप ये क्लिप ऑर्गेनाइज करिएगा जो आज की मैडम डॉक्टर अरोड़ा मैडम ने दिया था स्पीच में, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था मैडम ने कि कैसे ब्लड करने से डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे, इवन बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप वो चला देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा समझा पाएंगे। अच्छा, थैंक यू।